हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बस अल्लाह के चरण में। और अभी सामने वाली भाभी आई थी तो बस उनको अभी चाय नाश्ता कराया, बस उसी को रख रहे हैं। खाने की तैयारी कर दी है, इधर बनाई मैंने अभी आलू गोभी की सब्जी और इधर आटा लगा कर दिया। इधर देखिए शगुन आ गई है, ये देखिए क्या दोनों लगे हुए हैं। ये मिठाई का शौकीन है ये, बहुत ज्यादा शगुन हमारा। अच्छा जी, बहुत शौकीन है मिठाई का। तो अरे मम्मी, तो बस अपना अभी भाभी गई हैं तो अभी खाना पीने की तैयारी तो कर दी है। और अभी खाना कोई नहीं खाना चाह रहा, नाश्ता करा थोड़ा सा लेट, 2 बज गए। बस ये अभी किचन के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ चल रही हैं पापा और बेटे की बातें। कौन सी चल रही हैं? फटाफट की के बात ये चल रही है कि इसके फ्रेंड की भी शॉप लगी है वहाँ, और शगुन के फ्रेंड की भी शॉप लगी है। अब ये कह रहा है कि मैं ज्यादा डिस्काउंट दिलवाऊंगा, दोनों मेरे फ्रेंड की भी चलो और मेरे फ्रेंड की भी चलो। सार्थक के फ्रेंड से लेके आए कि शगुन के फ्रेंड से लेके आए? किससे ले? किसी से भी ले लें, मेरे फ्रेंड से। आपके फ्रेंड से? मैं अपने फ्रेंड से डिस्काउंट दिलवाऊंगा। वो कह रहा मेरे फ्रेंड की भी लगी है, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे भी फ्रेंड ने भी लगी है, क्या दो तीनों की। तो फिर किस पे जाएं? तीनों पे चले? अच्छा, तो किस पे जाएं? दो पे चले जाएं। चलो तुम्हारे से ले लेंगे इस बार, बच्चों के फ्रेंड पे जाओ। ठीक है, है ना? और क्या, सार्थक के फ्रेंड पे जाएंगे, सार्थक दिलवाएगा डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा। कितना? 50% कुछ नहीं, 50 कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, 50 तो सभी देते हैं, स्पेशल कुछ होना चाहिए, 60 दिलवा दी। कहते ऐसा रहा क्या? साथ तक कहते ही साथ तक की तो बात मानी जाएगी। तो बस ये शाम की तैयारी, अभी तो सोच रहे हैं कि शाम को जाएंगे फिर ये लोग। अभी तो खाना वगैरह भी नहीं खाया हम लोगों ने। क्या कह रहा था? हाँ रखी है, मैं लेके आई हूँ उसे। क्यों, क्या है भाई? बेटा सारे खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब खा जाता है ये। क्या हम उस दिन मैं चॉकलेट लेके आया था मम्मा के लिए और अपने लिए? वो मैंने करवा चौथ वाली केवल वो भोग सा लगाया हमने, फिर वो गाय तो नहीं खाई, इतने हमारा भोग ही लगा होगा उसको। तो सारी कहाँ गई? कहाँ गई बताओ, कहाँ गई? यहाँ पे इसमें घुस गई वो, इसमें गई वो। चली गई थी कि नहीं? तो फिलहाल तो अभी इन्हें खाना खिला दें, उसके बाद फिर ये निकलेंगे अपना शाम को बम पटाके लेने। हाँ टाइमिंग पता है 3 बज गए। मम्मी दूध लेने चली गई, मम्मी का टाइम होगा दूध लेने का, 3 बज गए। तो बस हिसाब में 3 घंटे लग गए। थोड़ा सा अभी त्योहार का टाइम है तो बस बिजी चल रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे तो भाई बहुत खुश घूम रहे हैं कि पटाखे दिलवाओ हमें। तो दोस्तों, शाम के टाइम पतिदेव निकले बच्चों को लेके बम पटाखे दिलवाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो काफ़ी देर से मतलब बोल रहे थे कि पटाखे दिलवा के लाओ हमें। तो फिर शाम को बोले कि शाम को चलेंगे हम लोग। तो जैसे ही फ्री हुए तो शाम को बच्चों को लेके फिर अब निकले। तो दोस्तों, ये एग्जीबिशन जहाँ पे हमारी लगती है ना, नुमाइश ग्राउंड है जो, वहाँ पर मतलब बम पटाखे की मतलब काफ़ी सारी बहुत सारी शॉप लगती हैं, तो वहाँ पे गए थे। यहाँ पे रावण वगैरह जो जलाया जाता ना, इसी जगह पे जलाते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये वाला, तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप लगी थी। यहाँ से पहले लिए बम पटाखे, उसके बाद फिर हम लोग शाम के उसके बाद ही मतलब जैसे शाम को तो पटाखे ले आए थे, उसके बाद फिर हमने अपना शाम को फ्री हो के मतलब हम लोग रात को निकले ये मतलब फूल माला वगैरह लेने के लिए, अपना घर को अपना डेकोरेट करने के लिए। तो रात को मतलब यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारे फूलों की जगह जगह पे लगी हुई थी रेड़ियाँ वगैरह, तो फिर हमने यहाँ पे देखे काफ़ी सारी मतलब शॉप पे देखा भी, कहीं पे थोड़े मुरझाए हुए लग रहे थे, पतिदेव बोले थोड़े से अच्छे से देखने लेते हैं जो थोड़े से खिलते खिलते से हों फूल, तो अच्छे भी लगेंगे, मुरझाए मुरझाए नहीं चाहिए।
तो फिर हमने काफ़ी सारे देखे, उसके बाद फिर हमने ये ले लिए। तो दो तीन जगह से लिए थे हमने, कहीं से मतलब गेंदे के लिए, कहीं से गुलाब के लिए। तो पहले यहाँ से हमने गेंदे के ले लिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे निकले। ये वाले ने भी तो ले लो, ले ये भी चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट दे रहा हूँ। भूल गए कि स्कूटर भी लाए थे, कहाँ रख दिया हमने। हाँ सही लग रहा है। सही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लाइटिंग। गेट पे लग गया और ये हमारी। तो दोस्तों इधर भी हमने फूल वगैरह लगा दिए हैं, डेकोरेशन जो थी यहाँ की बाहर की ये हमने अभी लगा दिए हैं, जिससे कि सुबह अपना मतलब ये नहीं करना पड़ेगा। तो पहले ही हमने कहा रात को ही कर देते हैं सबका। चॉकलेट पे लगा हुआ है देखो। आपको कौन सी खानी है? कौन सी खानी है आपको? जो आप खाओ, थोड़ी सी मेरा मन नहीं कर रहा इस टाइम ऐसे खाने का। आप खा लो जो खाना है, आप खा लो जो खाना है, हम ही खा लो। चवन भैया को भी दे देना, अकेले ही खाओ। इसका चॉकलेट का दीवाने चवन भैया से दे दो थोड़ा सा। तोड़ रहा क्या कर रहा है? मुझे लगा टूट नहीं रही शाम तक से। हथौड़ी हथौड़ी लेने जा रहा तोड़ने के लिए, दाल ना टूटे फ्रीजर में से निकाल के। आ गया देने चवन भैया को भी, दादी को भी दे दे। दादी नहीं खा रही, वो तो सारी खुद ही खा गया। दादी यहाँ लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं। बाहर परेशान कर ली बालकन ने, पटाखे छोड़ रहे। हाँ अंदर चलो, अंदर आने को मन ही नहीं किसी का। ये इतने बच्चों ने तो दो दिन से वो कर रखा है, बच्चों ने इतना कितने पैकेट ले लिया उठा। हाँ छोड़ ही नहीं रहे बालक, बच्चे अपना लगे हुए हैं पटाखों वो फोड़ने पे। दो तीन दिन ऐसी दादी को परेशान कर रही है। दादी इसने तो खाना भी नहीं खाया आज सार्थक, पटाखे के चक्कर में जो आपने खाना खाया है। क्यों ऐसी भूख नहीं लग रही है? खाना तो खा ले तू, पटाखे का कहीं चले जाएंगे, आ गए तो बहुत ही पड़े। सारे दोस्तों हमने दीपक अपना पानी में पहले भिगो लिए और भिगने के बाद अब ये सूख गए, इन्हें इकट्ठा कर लिया एक इसमें। हाँ ये देखिए जो लेके आए थे ना अभी कमल, कमल का फूल इसमें मैंने पानी में रख दिया ताकि खिल जाए। अब देखते हैं कितना खिलता है ये, बोल रहे थे खिल जाएगा सुबह तक, पता चले दिखाऊंगी कितना खिलेगा। तो बस ये अभी फूल, अभी ये जो फूल लेके आए ये अब लगाएंगे सुबह, ये ताजी फूल। अब मैं इसको इनको फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे थोड़ा ये मुरझाएंगे नहीं, कुछ ही आएंगे फ्रिज में तो सारे तो नहीं आने वाले। ये भी है ना, ये भी इसमें भी भरे हुए हैं, और ये वाले रख देती हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।